Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Suits and Sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 14 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 5 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 70 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। केसेस के लगातार अब बढ़ोतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। कर्नाटक भर में भी करीब 1456 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 1154 केसेस बैंगलोर अर्बन के हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कोविड केसेस गुलबर्गा में हुए तो कहां पर केसेस हुए, क्योंकि हॉस्पिटल में फिलहाल तो कोई एडमिशंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। अब उसकी भी हमने अपडेट रखी है, ऐसा कोई मामला नज़र आता है तो हमें फिर से प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी हो जाएगा। उसका सीधा हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग के नए रूल्स की। जी हाँ, नेशनल फ्लैग को अब हम रात में भी होस्ट कर सकते हैं। हम यानी कि जो भी मेंबर ऑफ जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उन लोगों के लिए रूल है जहां पर हम बात कर रहे हैं। 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कैंपेन चलाई जा रही है सेंटर से। हर घर तिरंगा यानी कि हर घर पर तिरंगा लहरा सकता है और लहराना चाहिए, क्योंकि 75th एनिवर्सरी हो रही है इंडियन इंडिपेंडेंस की। चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस फ्लैग कोड को अमेंड किया है। इंडिया का जो 2002 का जो रूल बना था, पहले ये था कि भाई सनसेट तक यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक आप फ्लैग को होस्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये क्या है कि इट कैन बी फ्लोन डे एंड नाइट, इस तरह की बात की जा रही है। तो ये नया जो है रूल आया है वो सभी मेंबर ऑफ द पब्लिक यानी कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते उन लोगों के लिए है, और 13 से लेकर 15 या 17 तारीख तक जो है आम जनता के लिए हर घर तिरंगा कैंपेन रखा जाएगा, जहां पर आपको सब जनों को अपने घर पर झंडा लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं लेट श्री दत्तात्रेय पाटिल रिवर फाउंडेशन की तरफ से रखा गया एक इंपॉर्टेंट इवेंट, जहां पर SLC के टॉपर्स को किया फेलिसिटेशन और उन्हें अवार्ड्स दिए गए जिन्होंने 615 से लेकर 625 के बीच में मार्क्स लिए थे, और टीचर्स को भी अवार्ड दिए गए जिन्होंने 100% रिजल्ट्स जो बच्चों के मार्क्स लाने में हेल्प की है, किस तरह से उन्होंने गाइड किया है, उन्हें भी अवार्ड्स दिए गए, और कई सारे स्कूल जिन्होंने 100% रिजल्ट लाया था उन्हें भी अवार्ड दिए गए। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 5 ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उसके बाद हम बात करते हैं सीधा DC यशवंत गुरुकर जी की, जहां पर बात कर रहे हैं हम 72 घंटे यानी 72 आवर्स में मिल सकता है पेंशन। जी ये स्कीम काफ़ी रेवोल्यूशनाइजिंग स्कीम है, जहां पर किस तरह से एक जो स्टेट की स्कीम आई हुई है 72 आवर्स में पेंशन आपको मिल सकता है घर बैठे। यानी अगर आपके आसपास में कोई लोग हैं जो जिनकी उम्र हो चुकी है जिनकी पेंशन आना है, तो टोल फ्री नंबर है 1-55-24, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीधे सीधे पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। घर तक आपको BLO ऑफिसर आएंगे और पेंशन का सारा जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं इस मौके पर DC यशवंत गुरुकर जी का क्या कहना है। We have seen your very visionary works. We have seen, sir, you have revolutionized several works. And speaking about one of your many works is the pension scheme, sir, which you are giving in 72 hours. Doorstep delivery you are giving, sir. What exactly it is, sir? क्या रहेगा हमारे जनता के लिए? In simple language, बताइए। So simple language में ये है 1-55-245. This is the toll free number. Okay. इस पे आप call करोगे तो आपका old age pension, widow pension, जो भी pension हो, इस पे कॉल करोगे तो 72 आवर्स में आपको पेंशन सैंक्शन करना है। डायरेक्टली ये विलेज अकाउंटेंट के जो है उसका अकाउंट में जाता है। okay. तो विलेज अकाउंटेंट उनके घर घर जाके फोटो क्लिक करेगा कि वो जिंदा है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा कि उनका आधार कार्ड 60 से ज़्यादा है क्या, कि ओल्ड एज पेंशन के लिए एलिजिबल है क्या। okay. तो ये 72 आवर्स में कंप्लीट होगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ गुलबर्गा दैट प्लीज take benefit of this scheme. There's a lot of exclusion. Mm-hmm. And pension is the mandate of the state for the weaker most weak section of the society. Mm-hmm. So please take benefit of this. Sir, how fluently is the work is going on in Gulbarga district, sir? So we 100%
जो वी डोंट हैव एनी बैकलॉग एज एंड व्हेन वी आर गेटिंग इट्स एक्चुअली बीइंग सॉल्व्ड विद इन 24 आवर्स. साथ साथ हम बात करें, हाल ही में हमने एक वीडियो डाला था आम आदमी पार्टी का, उसके अंदर बाकी के जो मेंबर्स थे उनकी भी बात सुना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से गुलबर्गा नॉर्थ की ऑफिस में, जहां पर सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद इनामदार और कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे. और किस तरह से गुलबर्गा की जो वाटर इशू है, क्यों ये वाटर इशू हो रही, किस तरह से इसे रिजॉल्व कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से ये मामला चला. जितने भी MLA गुलबर्गा शहर से, नॉर्थ से और साउथ से इलेक्ट हुए, लेकिन कभी किसी ने एहसास नहीं किया ये आवाम का कितना गंदा पानी पी रहे हैं. बल्कि हमारे 7 लाख शहरियों को सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों को नहीं, हर आदमी को, हर घर को साफ पानी मिलेगा, ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारी कामयाबी नहीं है. 7 लाख आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये आपकी कामयाबी है जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं. हम 4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक. मैं खुद जो है उसको ओपन करता हूँ, बंद करता हूँ, लेकिन वाटर मिलता नहीं है. और गुलबर्गा में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है यहाँ पर, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी को कांटेक्ट कीजिए, हमारे लीडर्स को कांटेक्ट कीजिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. नम सज्जाद अली इनामदार साहेब सिटी प्रेसिडेंट आम आदमी और कंग्राचुलेशन हेती ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು 116 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ, ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಇತ್ತಲ್ವ ಜನದು, ಅವತ್ತು ಅದು ಈಗ ಇವಾಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. उसके बाद एंटरटेनमेंट सेक्टर से न्यूज़ ला रहे हैं, जहां पर मुनव्वर फारूकी का हाल ही में हुआ शूट पर एक इंजरी और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है, सर्जरी भी उनकी हो रही है. लॉकअप के विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फेम में आ चुके हैं. उनके नया जो वीडियो चल रहा था, नया जो गाने के बाद भी काफ़ी उन्हें फेम मिला है. उनकी इंजरी काफ़ी डीप रहने की वजह से उन्हें अब एक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा, और अब वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और वो अब घर पर वापस आ चुके हैं. आखिर में हम बात करें इंडिया और वेस्टइंडीज़ के मैच की. इंडिया और वेस्टइंडीज़ का मैच हुआ, वेस्टइंडीज़ को इंडिया ने टूर किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हुआ, जहां पर इंडिया ने बैटिंग पहले की और 308 का स्कोर उन्हें रखा, जिसमें शिखर धवन ने 97 रन्स बनाए, और वेस्टइंडीज़ ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको चेस किया. और लास्ट ओवर में मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे, और पहले 5 बॉल में 10 रन उन्होंने दे दिए थे, 1 बॉल में 5 रन रिक्वायरमेंट था. छक्का मारे तो वेस्टइंडीज़ जीती थी, या चौका मारे तो सुपर ओवर होता, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मोहम्मद सिराज ने डॉट बॉल डाल दिया और इंडिया को जीत दिला दी. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की. थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में, जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं. आज का थॉट ऑफ द डे है, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट. यानी कि जितनी मेहनत आप करते हैं अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, उतनी खुशी मिलती है जब वो कंप्लीट होता है. तो कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज. उसको सीधे हम ड्रॉप इन करते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, जहां पर सबसे पहले जो कमेंट्स आते हैं सुबह 8 बजे उन्हें हम जरूर रीड करते हैं. मोहम्मद यूनुस जावेद इनामदार के असलाम तारबे, अल्लाह आपके चैनल को और तरक्की दे, आमीन, थैंक यू. वाजिद खान लिख रहे हैं द बेस्ट चैनल फॉर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन हैदराबाद कर्नाटक रीजन. और साथ रेहान लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशन टू मिलियन सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. सैयद आमिर हुसैन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मिस गुलबर्गा सो मच, थैंक यू गुआश फॉर शेविंग ग्लिम्स एंड न्यूज ऑफ अवर सिटीज, थैंक यू. और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है, उसको हम जवाब देते हैं वालेकुम सलाम, थैंक यू. शाहिद अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, हमदर्द कॉलोनी वहाब जिलानी लेआउट में रोड और नाली का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ज़रूर हमारी टीम वहाँ पर विजिट करेगी, आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर ड्रॉप करेगा. बहुत सारे लोगों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है 200K सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच. इंजीनियर सैयद मस्कत ओमान से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, और साथ साथ अनीस फातिमा जी ने भी मैसेज लिखा है. ट्रेंडिंग स्टेटस लिख रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल के लिए जॉब्स के अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी सारे लोग परेशान हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके बारे में भी हम जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे. मोहम्मद इरफान पठान लिख रहे हैं तार वे वीज़ा वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट है तो दीजिए, ज़रूर हम देंगे. सैयद सुलेमान के डॉक्टर उमेश यादव ने लोकसभा में गुलबर्गा के आउटर रिंग रोड के मसले को उठाया है, बहुत अच्छा लगा इस तरह से, वो बहुत सारे मसले क्लियर होंगे तो गुलबर्गा और तरक्की करेगा. डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है, और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं. हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं. लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल. ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर. मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा,
500 रुपीज 1000 रुपीज 2000 रुपीज जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गो हैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम जरूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Delhi Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Suits and Sherwanis.